सास की तीन मॉडर्न और दो संस्कारी चुड़ैल बहुएं। सुशीला चुड़ैल सास अपनी तीन मॉडल रितिका, कामिनी, काव्या बहुओं के साथ रहती थी। उसके पांच बेटे थे, जिनमें से दो बेटे राहुल और रवि ने अभी शादी नहीं की थी। अपनी तीन मॉडल चुड़ैल बहुओं के बर्ताव से सुशीला बेहद खफा थी। यकीन नहीं होता तो देखिए, शाम के 5 बजे तीनों मॉडर्न चुड़ैल बहुएं एक कतार में बंठन कर शॉर्ट ड्रेस पहने खूब मेकअप के दरवाजे को पार करती हैं कि सुशीला चुड़ैल कहती है, अरे ओ मेरी मॉडर्न बहू रानिया, तुम अकते हुए बेशर्मी के कपड़े पहने कहाँ जा रही हो? अरे थोड़ा बहुत तो अपनी सास की इज्जत रख लिया करो कि सारी बेच कर ऐश मारनी है। ओफो माँ जी, आप हमें क्यों टोक रही हैं जाते हुए? आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता कि जाते वक्त किसी को पीछे से नहीं टोकते फिर। और हमारी भी कोई लाइफ है, सारा दिन घर में ही काम करना है हमें। हाँ जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ फिर से क्लब जा रही हो ना। वाओ माँ जी, आपने तो हमें सही पहचाना। वेल आप बहुत गांव टाइप की हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर आपको हमारे साथ क्लब आना है तो आ जाइए। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नग्न नृत्य करने का क्लब में कोई शौक नहीं। पता नहीं वो कौन सा मनुष्य दिन था कि मेरे बूतिया बेटे तुम तीन चुड़ैल के इश्क में पड़ गए। बहुत ही अच्छा दिन था माँ जी, पता है वैलेंटाइन डे था उस दिन। क्या हुआ माँ, आप भाभियों को रोक कर क्यों सुना रही हैं? तो इन चुड़ैलों की आरती उतारू क्या? जरा कपड़े और बेढंग तो देखो। तेरे तीन भाइयों ने इतने प्यार से इन्हें लाने को कहा था कि मैंने भी सोचा चलो मॉडर्न बहुओं को ले आते हैं, क्या पता मैं गलत साबित हो जाऊं। लेकिन नहीं, तेरी मॉडर्न भाभियों ने मुझे अपने असली रंग दिखा दिए। ओफो माँ जी, अब तो इस घर की बहुएं हैं, वो भी मॉडर्न वाली, अब आपको इतना एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। चलिए जेठोनी जी। इतना कहकर तीनों चुड़ैल बहुएं इतराते हुए क्लब चली जाती हैं और नाचने लगती हैं। मैंने पहने पारी शूज, गाना लेट माय बॉडी लूज, कर ली है थोड़ी बूज, देयर्स पारी ऑन माय माइंड, पारी ऑन माय माइंड, माइंड माइंड, क्यों करते हो पारी शारी, ए ओ ए ओ ए ओ, जैसे हो पहली बारी, ए ओ ए ओ ए ओ। वाओ, क्या सॉन्ग चल रहा है पार्टी में, मजा ही आ गया। थोड़ा पैग लेगी क्या? हाँ ले लो, वैसे भी बहुत दिनों बाद क्लब आए हैं। कुछ घंटों बाद तीनों चुड़ैल बहुएं घर लौटती हैं तो चुड़ैल सास को उनके अंदर से नशीले पदार्थ की महक आती है और वो कहती है, आय आय नास पीटी, तुम्हें मैंने जाने को क्या कह दिया? वो क्लब वाली ढकने की जगह तुम तो नशेड़ी बनकर वापस लौटी हो। पहले कह रही हूँ सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। What the hell, माँ जी, आपको इतनी आपत्ति क्यों है हम तीनों से? तन हमारा, मन हमारा, धन हमारे पतियों का, आपकी क्यों खुजली हो रही है? क्योंकि तुम तीनों खुजा रही हो इसलिए हो रही है। मैंने थोड़ी देर और करी तो मेरे दोनों बेटे भी ऐसी मॉडर्न बहू ले आएंगे। उससे पहले मैं दो संस्कारी चुड़ैल बहुओं को ढूंढ लूंगी, वही उन्हें देख कर ही अब ये सब सबक लेंगी। इतना कहते ही सुशीला कुछ दिनों के भीतर अच्छी संस्कारी चुड़ैल ढूंढ कर अपने दोनों भूतिया बेटों की शादी उनसे करा देती है। दोनों संस्कारी चुड़ैल बहुएं संध्या शिवन्या लाल जोड़े में जब गृह प्रवेश करती हैं तो हंसते हुए जेठानी चुड़ैल कहती है, ओहो माँ जी, तो आप ये गवार बहुएं लाई हैं अपनी पसंद से? अच्छा है, वैसे भी इनके चटकीले कपड़े देखकर पता चलता है कि हम तीनों मॉडल से इन दोनों गवार की बिल्कुल नहीं बनने वाली। कमीनी बहू अपनी जुबान को लगाम दे, मेरा मतलब कामिनी बहू। माँ जी, आप मेरा नाम सही से भी नहीं पुकार सकती क्या? जब देखो कमीनी कमीनी कहती रहती है। जेठानी जी, आप बुरा क्यों मानती हैं? माँ जी की जुबान फिसल गई होगी, वो आपको ऐसा थोड़ी कहेंगी। हाँ, और आप इतने छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं? ससुराल में आसपास के लोग आपको देखकर क्या टिप्पणी करते होंगे? What? What are you saying? टिप्पणी? जेठानी means comment. ओह, हमारी बॉडी, हम कुछ भी पहने, कोई हमारे बारे में क्या बोलता है इससे हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल माँ जी, अपने पसंद से तुम्हें लाई है जानती हूँ। 6 मीटर की थाल लपेट कर हाथ में आरती की थाली लिए कान फोड़ने वाली हो अगले दिन, और हाँ माँ जी की तरह लेक्चर भी दे रही हो, ये तो अभी से। संध्या बहू, शिवन्या बहू, ये दोनों तो बोलते रहेंगे, तुम दोनों जाकर आराम कर लो। इतना सुनकर पांचों अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन दोनों संस्कारी चुड़ैल बहुएं घर की पूजा पाठ करके सास का आशीर्वाद लेती हैं। ये देख रितिका चुड़ैल कहती है, बाप रे बाप, मेरी तो कमर टूटकर हाथ में आ जाएगी अगर मैं इतना झुकूंगी, और हम माँ जी के सामने झुकेंगे तो हमारा भी इनकी तरह ही हाल होगा, इसलिए हमारा क्या नारा है गर्ल्स? मैं झुकेगा नहीं साला।
अरे किसका साला आ गया, मेरा मतलब किसका भाई आया है, वैसे दरवाजे पर कोई दिख तो नहीं रहा। यह देवरानी कितनी गधी है, डायलॉग बोलना भी पाप है। अरे जेठानी जी, आप तीनों ने घर के अंदर इतना मेकअप क्यों धोप रखा है जैसे कि किसी पार्टी में जा रही हो। तुम्हारे पिताश्री के पैसों से आया है क्या जो बकवास कर रही हो, हमारा थोबड़ा हम कितना भी लगाए उससे तुम्हें क्या। वेल देवरानी, तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि हम तीनों मॉडर्न हैं, इसलिए टचअप करके रखना पड़ता है, महंगे महंगे मेकअप लगाना होता है, दिखाऊं कैसे। तभी काव्या चुटकी बजाकर एक हाथ में ब्रश और मेकअप बॉक्स लेकर उनके ही सामने मेकअप करने लगती है और कहती है, कितनी सुंदर लग रही हो तुम दोनों गवार से। हम भले ही गवार सही पर इतने भी नहीं है, और आपकी तरह हमने माँ जी की नाक नहीं कटवा रखी, छोटे छोटे कपड़े पहनकर बड़ों का लिहाज ना करके हमें घर संभालना बखूबी आता है, इससे ज्यादा माँ जी को क्या चाहिए। आप तो ठीक से घर का काम नहीं करती, ना खाना बनाना आता है। शिवान्या बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम अब। अच्छा तो आप क्या हो। तभी दोनों बहुएं आपस में एक दूसरे के बाल पकड़ कर खींचने लगती है, फिर रितिका और संध्या उन्हें बचाने आती है कि वो दोनों भी एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। तभी सुशीला चुड़ैल आकर कहती है, क्या हो रहा है, ये सब कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रही हो। माँ जी देखिए ना, आपके जाहिल गवार बहू के अब संस्कार कहाँ चले गए, एक तो मुझसे जुबान लड़ा रही है, ऊपर से मेरे बाल खींच लिए। जेठानी जी, आप कौन सी दूध की दुल्ही है जो मुझे और संध्या को उल्टा सीधा कह रही थी। बताइए माँ जी को ऐसे मॉडल पढ़े लिखे लोग ऐसी वाहियात हरकते नहीं करते, और आप तो नशे में भी झूम कर आती है। बिल्कुल, सिर्फ मेकअप लगाने से कुछ नहीं होता, घर के काम भी आने चाहिए संध्या। ओ गॉड, संस्कारी गवार तो हर कोई बन जाते हैं, पर खुद को मेंटेन करना, मॉडर्न लाइफस्टाइल में जीना, ये बहुत बड़ी बात होती है जो तुम्हारे बस की नहीं है। अच्छा, ये भगवान इन संस्कारी बहुओं को ये सोचकर लाई थी कि जेठानी लाइन पर आएंगी, पर यहाँ तो WWE में उतर गई। अब पाचों को सबक सिखाना पड़ेगा एक साथ। रितिका कमीनी, मेरा मतलब कामिनी, काव्या, संध्या, शिवन्या, बहू तुम दोनों के तौर तरीके अलग है, इसलिए मैं एक चुनौती दे रही हूँ। मेरी संस्कारी बहू, तुम तीनों इसकी लाइफस्टाइल की तरह जीना, और तुम तीनों इन दोनों की तरह घर संभाल कर दिखा दो। अगर मेकअप करना इनके बस की बात नहीं है, तो गृहस्थी संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। माँ जी, हम भले ही मॉडर्न सही, लेकिन घर को इन दोनों से अच्छा संभाल सकते हैं, मुझे ये चुनौती मंजूर है। हमें भी मंजूर है। अगले दिन चुड़ैल मॉडर्न बहुएं संध्या, शिवन्या की तरह साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं, जो उन्हें नहीं आती। फिर सास जादू से उनकी साड़ी बांधती है, जिसके बाद वो रसोई की साफ सफाई करती हैं और पूरे रसोई में उथल पुथल मचा देती हैं। ये देखकर सास कहती है, आय आय मेरी निकम्मी बहुओं, तुमसे तो एक काम ठीक से नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे रसोई में जंग करी हो। माफ कर दीजिए माँ जी, हमारे बस की बात नहीं है रसोई और घर के कामों को संभालना, ये डिपार्टमेंट देवरानी ही संभाले तो बेहतर होगा। तो तुम कब सीखोगी, आखिर तुम बड़ी बहू हो, तुम तीनों को भी आना चाहिए, सिर्फ मॉडल बनने से काम नहीं चलेगा। माँ जी, अब से हम उनका काम सीखने की कोशिश करेंगे। तभी दोनों देवरानी जीन्स और हील्स में लड़खड़ाते हुए आकर कहती हैं, जेठानी जी हमें माफ कर दीजिए ना, तो हमें आपकी तरह मेकअप करना आता है और इन कपड़ों को पहनने में शर्म आती है, और हील्स पर चलना तो कतई नहीं आता, इसलिए हम समझ गए कि मॉडर्न बनना कितना जरूरी है और मुश्किल भी। देखा, तुम दोनों ही एक दूसरे का काम संभाल नहीं पाए, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी पांचों चुड़ैल बहू मिल बांट कर रहे और इस काम को सीखे, ताकि कोई ना मॉडल बनने में पीछे हो और ना संस्कारों में। सास की बात मानकर पांचों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहती हैं। साथ ही संस्कारी बहू खाना बनाना सीखती हैं और मॉडर्न बहुएं उन्हें मॉडर्न बनना सिखाती हैं। चांद पर बसाई भूत और चुड़ैलों ने दुनिया। वाओ, ये तारे कितने टिमटिमा रहे हैं, और ये चांद तो उनसे भी ज्यादा सुंदर है, क्या हम चांद पर भी जा सकते हैं? माँ से पूछता हूँ। वो अपनी माँ के पास जाता ही है कि सुमन आकर कहती है, अरे मेरा बेटा, चांद तारों को देखकर क्या सोच रहा है। अरे माँ, मैं आपके ही पास आ रहा था, माँ मुझे पूछना है क्या हम चांद पर जा सकते हैं? देखिए यहाँ से चांद कितना खूबसूरत लगता है। हाँ बेटा, चांद खूबसूरत तो है, पर हम चांद को सिर्फ दूर से देख सकते हैं, वहाँ जा नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है वहाँ जाना। नहीं है मुश्किल माँ, मुझे चांद पर जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। अरे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं पापा के पास ही जा रहा हूँ। सनी भागता हुआ अपने पिता प्रवीण के पास जाता है। पापा पापा, माँ कहती है हम चांद पर नहीं जा सकते, पर मुझे चांद पर जाना है, प्लीज पापा मुझे चांद पर लेकर चलो ना,
देखो नील आर्मस्ट्रांग भी चांद पर गए थे, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बेटा वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं, पहले पढ़ाई कर लो फिर तुम चांद पर जाने की सोचना। अभी बहुत रात हो गई है, जल्दी से सो जाओ वरना भूत और चुड़ैल आ जाएंगे। हाँ, जो बच्चे सोते नहीं हैं, भूत और चुड़ैल उन्हें बहुत डराते हैं। ठीक है माँ पापा, मैं सो रहा हूँ। ये कहते ही सनी अपने कमरे में सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी खिड़की से एक तेज नीली रोशनी आती है जिसकी चमक उसके चेहरे पर पड़ती है। कर कहता है, अरे ये इतनी लाइट कहाँ से आ रही है, जरा देखता हूँ। ये कहकर सनी खिड़की की ओर जाता है जहाँ वो एक खूबसूरत सा नजारा देखता है। आसपास बादल हैं और एक लंबी सी सीढ़ी चांद की ओर जा रही है। ये देखकर छोटा सा सनी हैरान होते हुए कहता है, अरे वाह, लगता है ये सीढ़ियाँ मुझे चांद पर ले जाएंगी, जाऊँ या नहीं? सनी सोचता है तभी एक टिमटिमाता हुआ तारा उससे कहता है, अरे तुम तो चांद पर जाना चाहते हो ना, तो सोच क्या रहे हो, इस सीढ़ी पर पैर रखो और चांद पर जाकर मजे करो। सच? मैं चांद पर जा पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। तभी सनी उन सीढ़ियों पर पैर रखता हुआ चांद की ओर बढ़ता है, जिसके बाद वो चांद पर पहुंचकर सुंदर नजारा देखता है जहाँ बहुत सारे टिमटिमाते तारे, बड़े बड़े बादल थे। पर वहाँ कुछ अजीब सा था, वो हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। कोई किसी से बातें कर रहा था, तो कोई खा रहा था, तो कोई चाय बना रहा था, कोई नाच रहा था, और ये सब थे भूत और चुड़ैल। भूत और चुड़ैल को देखकर सनी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये क्या, यहाँ तो चांद पर बहुत सारे चुड़ैल और भूतों ने अपनी दुनिया बसा रखी है, मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। सनी जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ता है तो वहाँ कोई सीढ़ी नहीं होती। ओ नो, अब तो मैं वापस जा ही नहीं सकता, इससे बढ़िया यही घूम लेता हूँ। ऐसा कहते ही सनी आगे बढ़ जाता है और देखता है एक चुड़ैल बाहर निकलकर बाल्टी का पानी लेकर किसी बाइक से जाते हुए भूत पर डाल देती है। तभी वो भूत बाइक रोक कर कहता है, अरे ओ चुड़ैल, कहेगी आंखें हैं या कंचे, दिखाई नहीं देता, मैं सामने से जा रहा हूँ और मुझ पर पानी डाल दिया, कर दिए ना मेरे ऑफिस के कपड़े खराब। हाँ तो क्या हो गया, सड़ेले अंडे जैसे छिलके की शक्ल वाले भूत कपड़े खराब हुए हैं ना, पर तेरी शक्ल तो पहले से ही खराब है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया, एक तो चोरी ऊपर से सीरा जोरी। अच्छा बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सामने से तुम आए हो, मुझे ख्वाब तो नहीं आ रहे कि एक गंदा सा भूत मेरे घर के सामने से गुजरेगा और मेरा पोछे का पानी तुम पर आ जाएगा। What? तुमने मेरी ऑफिस के कपड़ों पर पोछे का पानी डाला है, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। अच्छा तुम मुझे तुम कमजोर समझते हो, मैंने भी हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी है, आ जाओ मैदान में। झूठी कहेगी, देख तेरे हाथ में चूड़ियाँ भी हैं। अरे तुम्हें डायलॉग भी ना मारूं, फिर ये लोग जो हमारी स्टोरी देख रहे हैं ये इंटरेस्टिंग कैसे बनेगी। अरे हाँ भूल गया था मैं, चलो अब कैरेक्टर में आओ और लड़ो मुझसे। तभी दोनों अपनी शक्तियों से हवा में उछलकर एक दूसरे पर आग के गोले फेंकते हैं। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही लड़ते हैं और जब बात नहीं बनती तो जमीन पर आकर एक दूसरे के बाल नोचने लगते हैं। गंदे से भूत कहीं के, आज मैं तुझे मजा चखा कर ही रहूंगी। तो तू भी सुन ले गंदी सी चुड़ैल, तुझे मैं चुड़ैल से भूत बना दूंगा। इतनी लड़ाई देखकर बेचारा बच्चा डर जाता है और कहता है, बाप ले बाप, इधर कितनी लड़ाई होती है और वो भी चांद पर, मैं तो यहाँ कभी नहीं आऊँ। उन चुड़ैल भूत को वहाँ के लोग शांत करा देते हैं और सनी आगे चला जाता है जहाँ एक चुड़ैल नर्स भूतिय बच्चे के सुई लगाती है। मम्मी पापा मुझे इनसे बचाओ, मुझे नहीं सुई लगवानी। आपका भूतिया बच्चा तो बड़ा ही चिल्लाता है, इसे पकड़ कर रखिए, अभी सुई लगाती हूँ वरना बुखार कैसे उतरेगा। जी नर्स जी। तभी वो नर्स उस भूतिया बच्चे के सुई लगा देती है जिसे देखकर सनी भाग जाता है। आगे वो देखता है कि एक सुंदर सी चुड़ैल और मेकअप करके कहती है, अरे वाह, आज तो पार्टी में सबसे ज्यादा मैं ही अच्छी लगी और मेकअप लगा लेती हूँ। आहा, मुझे और खूबसूरत दिखना है और मेकअप लगाती हूँ। ओहो, इस चुड़ैल आंटी ने मेकअप कर करके अपना मुंह और सड़ा लिया,
और सबसे ज्यादा चुड़ैल इस चांद पर यही लग रही है। भूतनी सी शकल, सातवीं फेल चुड़ैल। ओके, तो मैं रेडी हूँ, अब मैं डिस्को जाऊंगी। मोना चुड़ैल का पीछा करते हुए सनी डिस्को पहुंच जाता है, जहां वो ठुमके लगाती है। अरे छोड़ छोड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली। तभी नाचते नाचते ऋषभ मोना चुड़ैल के पैर पर पैर रख देता है, जिससे वो चीखती है। मेरा पैर, आंखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता क्या? ऐसे पागलों की तरह कौन नाचता है? मेरा पैर तोड़ दिया तुमने। ओहो, गलती से हो गया, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऐसे कैसे सॉरी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं अपाहिज हो जाती, मेरे पैर में फ्रैक्चर भी आ सकता था, और तुम कह रहे हो सॉरी। सस्ती एलिजाबेथ, अपने आप को ज्यादा महारानी मत समझो, मैंने सिर्फ गलती से तुम्हारे पैर पर पैर रख दिया था। नाचते नाचते 20 किलो का पत्थर नहीं रखा था जो तुम्हारा पैर टूट जाता। हाँ, टूट जाता। ओह प्लीज, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे डांस करने दो। अच्छा, ऐसी बात है। ये कहते ही मोना उसे धक्का मारकर चली जाती है। इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, इसने मुझे धक्का दिया, छोड़ूंगा नहीं, किसी दिन मिल गई। ओहो, ये भूत वाले अंकल तो बहुत डरावने हैं, भाग जाता हूँ मैं अभी यहाँ से। ये कहते ही सनी बाहर आकर भूतिया स्कूल में घुस जाता है, जहाँ छोटे छोटे भूत और चुड़ैल झूला झूल रहे थे। सनी को कोई देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो भी उन झूलों पर चढ़कर झूलने लगता है। अरे वाह, चांद पर चढ़कर झूले की सवारी कर रहा हूँ, मजा ही आ गया, यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं देख सकता। ये, अरे वाह, ये घोड़े वाला झूला कितना अच्छा है। अभी उसका झूला इतना तेज हो जाता है कि वो गिर पड़ता है और रोकर कहता है, अरे राम रे, बड़ी तेज की लगी मेरे बम में, ये कितनी गंदी जगह है, मैंने तो सोचा था चांद बहुत अच्छी जगह होगी, पर ये तो सब भूत और चुड़ैल है, मुझे घर जाना है। सनी बेटा, सनी बेटा उठो, स्कूल जाना है। सनी बेटा, अरे सपने में चांद की सवारी कर रहे हो क्या? चलो वेक अप, सुबह हो गई। माँ की आवाज कानों में पड़ते ही सनी उठ जाता है और आंख मलते हुए कहता है, अरे माँ, आप यहाँ कैसे? और मैं, अरे माँ, चांद और बादल और चुड़ैल कहाँ गए? सनी बेटा, सपने से बाहर आओ। माँ, अब मुझे कभी भी चांद पर नहीं जाना, वो बहुत डरावनी जगह है, वहाँ पर सब लड़ते हैं। ये कहते ही सनी अपनी माँ से लिपट जाता है और तैयार होकर स्कूल चला जाता है। जूते बनाने वाले भूतिया भाई बहन। हर रोज की तरह आज भी हरिराम अपनी छोटी सी मोची की दुकान पर लोगों के जूते पॉलिश कर रहा था। तभी अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसा। हरिराम के जाने से उसके दो छोटे बच्चे और उसकी पत्नी संजना अकेले पड़ जाते हैं। वो बहुत रोते हैं। जैसे तैसे घर का खर्चा एक हफ्ता तो चल जाता है, लेकिन फिर घर में खाने के लिए एक दाना नहीं होता। तभी उसका 12 साल का बेटा अब है और 14 साल की माँ ही कहती है, माँ आप ऐसे परेशान मत हो, मैं सोच रहा हूँ मैं पापा की दुकान खोलकर मोची का काम करूँ, उससे पैसे आ जाएंगे तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ माँ, अबे सही कह रहा है, मैं भी उसके साथ दुकान पर चली जाती हूँ, क्योंकि हम दोनों तो पापा के साथ ही रहा करते थे, हम कर लेंगे। पर बेटा, तुम दोनों तो बच्चे हो, आना जाना कैसे करोगे? माँ फिक्र मत करो, दीदी है ना मेरे साथ, हम दोनों शाम को आ जाया करेंगे। ठीक है बेटा, पर ख्याल रखना। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर दोनों हरिराम की दुकान भगवान का नाम लेकर खोलते हैं। तभी दो चार ग्राहक उनसे जूते पॉलिश कराने आते हैं। दोनों भाई बहन मिलकर जूते पॉलिश करने लगते हैं। अरे देखा दीदी, दुकान खोलते ही बोनी हो गई। हाँ अबे, देखना अब हम माँ को और परेशान नहीं होने देंगे, माँ का बहुत ख्याल रखेंगे, बस ऐसे ही हमारी दुकान चले। आप चिंता मत करो दीदी, ऐसे ही चलेगी। अरे मेरा जूता पॉलिश हो गया है क्या? तो दे दो। जी साहब, ये ले लीजिए। अरे मेरी चप्पल टूट गई है, तुम ठीक कर दोगे? हाँ आंटी। अभय उस औरत की चप्पल ठीक कर देता है। इस तरह दोनों सुबह से लेकर शाम तक बहुत चप्पल जूते ठीक करते हैं और शाम को घर आकर अपनी माँ से कहते हैं, माँ देखो हमारे
गई। जरा अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। पर हुआ क्या? अरे माँ करो तो सही। अपने बच्चे की बात सुनकर संजना जैसे ही अपनी आंखें बंद करके हाथ आगे करती है तो दोनों बच्चे उसके हाथों में मुट्ठी भरकर पैसे रख देते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, अरे बेटा इतनी ज्यादा पैसे एक ही दिन में कैसे आए? बस माँ भगवान की मेहर है, दुकान खोलते ही एक के बाद एक ग्राहक आए जा रहे थे, उसी से हमने आज बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए। अब आप इससे अच्छा अच्छा खाना बनाना, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे अपने पिता के जाते ही इतने जिम्मेदार हो जाएंगे, पता नहीं था। ये कहकर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद सब बैठकर खाना खाते हैं, फिर बच्चे माँ की गोद में सो जाते हैं। अगले दिन फिर से दुकान पर जाते हैं तो एक लड़की अपनी महंगी सी सैंडल लेकर आती है जिसमें हीरे जैसे नग लगे हुए थे और वो कहती है, अरे बच्चों क्या तुम मेरी ये सैंडल ठीक कर दोगे? देखो ना कोई भी मोची वाला नहीं कर पा रहा है। अरे दीदी मुझे दिखाओ, मैं कर देता हूँ, आसान है और ध्यान से करना, मेरी फेवरेट सैंडल है। दीदी आप परेशान मत हो, मेरा भाई अच्छे से कर देगा। कुछ ही मिनटों में अभय उस लड़की की सैंडल को अच्छे से ठीक कर देता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे वाह तुमने तो मेरी सैंडल पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत कर दी है। पैसे कितने हुए बताओ? पता है 5-6 मोचियों ने जोड़ने से मना कर दिया था। 10 रुपए दीदी। ये लो 100 रुपए। अरे दीदी ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे इतने नहीं चाहिए। अच्छा तो ये लो पैसा रख लो, कभी खाए नहीं होगी तुम, तुम्हें ये मेरी तरफ से है। थैंक यू दीदी। घर जाकर बच्चे संजना के साथ उस पिज्जा को खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अरे बच्चों ये सब्जी वाली रोटी बहुत मोटी है लेकिन स्वादिष्ट है। अरे माँ इसे पिज्जा कहते हैं, खाओ खाओ और है। इस तरह दोनों बच्चे खूब मेहनत से मोची की दुकान संभालते हैं। लेकिन एक दिन जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक ब्रेक फेल कार उन दोनों को कुचल देती है, जिसके बाद दोनों बच्चों के सिर से बहुत खून निकलता है और वो उठकर अपनी माँ के पास जाते हैं जो खाना बना रही थी। माँ देखो ना हमें कितनी जोर की लग गई है, हमारे सर से खून निकल रहा है। हाँ माँ इधर देखो आपके दोनों बच्चों के कितना खून बह रहा है। माँ माँ सुनो ना। दीदी माँ हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? ये बच्चे आए क्यों नहीं अभी तक, इतनी देर हो गई। माँ हम तो कब से आपके आगे हैं, आप देखिए हमें आप सुन भी नहीं रही है। इतने में गांव का चंपक भागते भागते संजना के पास आता है और कहता है, अरे संजना गजब हो गया गजब, जल्दी अपने बच्चों के पास चल, उन्हें गाड़ी वालों ने कुचल दिया है। क्या नहीं ये नहीं हो सकता, पति तो पहले ही छोड़कर चला गया और अब बच्चे भी चले गए क्या? माही ये माँ क्या कह रही है? तभी भागती हुई संजना अपने दोनों बच्चों की लाश को अपने सामने पाती है और बहुत फूट फूट कर रोती है। तभी दोनों बच्चों को पता चलता है कि वो मरकर भूत और चुड़ैल बन चुके हैं। अबे ये क्या हो गया, हमें तो लगा कि हमारा नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ लेकिन यहाँ तो हम दोनों मर चुके हैं, इसीलिए माँ हमारी कोई बात नहीं सुन पा रही थी, ना वो हमें छू पा रही थी। अब क्या होगा दीदी, माँ कैसे रहेगी हमारे बिना? देखो कितना रो रही है वो और घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे मेरे बच्चों को कोई जिंदा कर दो वापस। क्यों भगवान क्यों किया मेरे साथ ऐसा, अब किसके सहारे जीऊं मैं? मार डालो मुझे भी। कहते कहते संजना बेहोश हो जाती है और बच्चों की आत्मा अपनी माँ को किसी तरह घर ले आती है, जहाँ उसके हाथ पैर सहलाते हैं, सिर पर ठंडी पट्टी रखते हैं, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। 2-4 दिन संजना अपना गुजार कर लेती है लेकिन फिर पैसे खत्म हो जाते हैं, खाने को कुछ नहीं होता। तभी चुड़ैल अपने भाई से कहती है, भाई माँ परेशान हो रही है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। करना क्या है, हम उसी मोची की दुकान पर अपना रूप बदल कर काम करेंगे, बस भगवान इतनी सी कृपा कर दे हम पर।
ये बोलते ही उन पर एक रोशनी आती है और मोची की दुकान खोलकर जूते चप्पल पॉलिश करने लगते हैं, जिसके बाद लोग आकर उनसे अपने जूते चप्पल ठीक कराते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता और जो पैसे इकट्ठे होते हैं वही अपने माँ के पल्लू में बांध देते हैं। तभी संजना को अपना पल्लू भारी लगता है और जब वो खोलती है तो कहती है, अरे इतने सारे पैसे मेरे पल्लू में कहाँ से आए? शुक्र है मुझे पैसे मिल गए, इस समय कुछ तो खाऊंगी वरना जीने की चाहत तो खत्म ही हो चुकी है। इस तरह संजना खाना बनाकर रोते हुए खाती है तो उसके बच्चे देखकर कहते हैं, माँ खाना खा रही है, देखकर खुशी हुई, लेकिन वो हमारे कारण रो भी रही है, इससे दिल में बहुत दुख हो रहा है। ये तो सच कह रही हो आप दीदी, इसे ज्यादा और क्या कर सकते हैं हम, काश हम माँ के आंसू पहुँच पाते। हाँ भाई। वक्त बीतता है, दोनों बच्चे मोची की दुकान पर भूत और चुड़ैल होने के बावजूद भी लोगों की चप्पल ठीक करके पैसे लाकर अपनी माँ के पल्लू में बार बार रख दिया करते थे। बार बार पैसों के मिलने से संजना असमंजस में पड़ जाती थी। वहीं एक दिन उसकी तबीयत खराब हो रही थी तो घर का सारा काम दोनों भूतिया बच्चे मिलकर करते हैं। माही बर्तन धो रही थी, अभय कपड़े सुखा रहा था, तभी संजना उठकर रसोई में आती है। अरे ये बर्तन हवा में कैसे धुल रहे हैं, वो भी अपने आप, और ये क्या कपड़े भी सूख रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे घर में, कौन है, कौन है, सामने आओ। तभी उसके दोनों बच्चे सामने आ जाते हैं। माँ हम दोनों हैं जो आपकी अब तक मदद कर रही थी। हाँ माँ हम आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकते, पर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, मेरे बच्चे बहुत याद आती है तुम्हारी। इस तरह दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ जिंदगी भर यूं ही रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। मछली पकड़ने वाले भूतिया बच्चे। रात का समय था, चारों तरफ गुप्त अंधेरा और सन्नाटा था। तभी एक नदी किनारे दो भूतिया बच्चे नदी के अंदर से बाहर निकलते हैं। अरे भैया चलो जल्दी से मछली पकड़ लेते हैं, उसके बाद माँ से भी मिलना है। हाँ सागर तू सही बोल रहा है, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी, चलो अब जल्दी से मछलियाँ पकड़ के माँ के पास लेकर चलते हैं। तभी सागर और गगन दोनों नदी से मछली पकड़ने लगते हैं और उन्हें एक झोले में डालकर अपनी माँ कौशल्या के पास ले जाते हैं। तभी वो खिड़की से झांक कर देखते हैं कि उनकी माँ घर में आराम से सो रही होती है। वो दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं और मछलियाँ रख देते हैं। तभी गगन सागर से कहता है, भैया मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, कितने समय से माँ ने हम दोनों को प्यार भी नहीं किया है, देखो सोते हुए कितनी अच्छी लग रही है। हाँ भाई मुझे भी माँ की बहुत याद आती है, माँ अपने हाथों से दो निवाले प्यार से खिला दे तो पूरा पेट भर जाता था। गगन और सागर दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी कौशल्या उनकी आवाज सुनकर करवट बदलने लगती है। तभी वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। कौशल्या नींद से जागती है और खुद से कहती है, अरे ये क्या, अभी तो मुझे यहाँ किसी के बात करने की आवाज आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी कौशल्या की नजर सामने रखे टोकरे के ऊपर पड़ती है जिसमें तालाब की खूब सारी मछलियां होती हैं। कौशल्या उन मछलियों को देखकर कहती है, अरे आज फिर कोई अपनी मछली मेरे घर में रख गया है, आखिर ये भला इंसान है कौन जो मेरे लिए रोज मछली पकड़ता है और घर में रख देता है। कौशल्या को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन सुबह जब कौशल्या बाजार में मछलियां बेचने के लिए जा रही होती है तभी लालू राम दुकान वाला उसे रोक लेता है और उससे कहता है, अरे कौशल्या बहन कहाँ जा रही हो, जरा रुको तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ लालू राम तुम्हें अपने पैसे चाहिए, लेकिन मुझे कुछ वक्त का और समय दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। हर बार तो ऐसे ही बोलती हो, आखिर चुकाओगी कब, 3 महीने हो गए हैं एक रुपया भी नहीं दिया तुमने। तभी कौशल्या अपने पर्स से 500 का नोट निकालती है और लालू राम से कहती है, ये लो भाई साहब अभी फिलहाल यही है, बाकी के बाद में दे दूंगी। 500 का नोट लेकर लालू राम वहां से निकल जाता है और कौशल्या के पास एक वही 500 का नोट था जिससे वो अपने घर का राशन लाने वाली थी, लेकिन वह भी उसे देना पड़ गया। कौशल्या पूरे दिन मछलियों को बेच कर जो पैसे कमाती वो उनसे अपने लिए खाना खरीदने जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी मिल जाता है जो भूखा प्यासा एक सड़क किनारे बैठा होता है। मेरी मदद करो बेटी, मेरी मदद करो, 2 दिन से भूखा हूँ, किसी ने खाने को नहीं दिया, बेटी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ खाना खिला दो मुझे।
उस बुजुर्ग आदमी को देखकर कौशल्या को उस पर बहुत तरस आ जाता है और वो अपने पैसों से उस बुजुर्ग आदमी के लिए खाना खरीद लेती है और उसे खिलाकर अपने घर चली जाती है, जहां वो एक गिलास पानी पीकर उस दिन भूखे पेट ही सो जाती है। जैसे जैसे रात होती है, आधी रात के समय नदी से भूतिया बच्चे बाहर निकलते हैं और अपनी माँ कौशल्या के लिए मछली पकड़ने लगते हैं। पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ भूखे पेट ही सो गई है। मुझे उनकी चिंता हो रही है। हाँ भैया, मुझे भी माँ की चिंता हो रही है। चलो जल्दी से मछलियाँ पकड़ कर माँ के पास चलते हैं। वो दोनों जल्दी से मछलियाँ पकड़ के अपनी माँ को देखने के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही वो अपने घर पहुँचते हैं, उन्हें घर में उनकी माँ बिस्तर में लेटी हुई दिखाई देती है, लेकिन उनकी माँ पेट के दर्द की वजह से बुरी तरह तड़प रही होती है। हाय राम, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है आज खाना ना खाने की वजह से ये सब हो रहा है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने लिए दवाई लेकर आ जाऊं। सागर और गगन अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगते हैं, जिसके बाद उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी माँ को देखने के लिए उनके पास चले जाते हैं। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? हमें बताओ, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे। माँ, आप बीमार कैसे हो गई? क्या आपने आज खाना नहीं खाया है? दोनों को देखकर कौशल्या थरथर कांपने लगती है और चिल्लाने लगती है, भूत बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यहाँ देखो दो दो भूत हैं। तभी अपनी माँ को चिल्लाते हुए देख सागर कहता है, अरे माँ, आप हमें भूल गई। हम तुम्हारे ही तो बेटे हैं जो अभी से एक साल पहले मर गए थे। माँ, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं गगन हूँ, आपका छोटा बेटा, और ये सागर भैया है। क्या आप हम दोनों को भूल गई हो? ये सुनने के बाद कौशल्या को अपने बच्चों को पहचानने में देरी नहीं लगती और वो तुरंत उन दोनों को गले से लगा कर कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़े कहाँ थे तुम दोनों? और ये क्या हालत बनी हुई है तुम्हारी? तुम्हारा ये हाल किसने किया? माँ, ये एक साल पहले की बात है। हम दोनों भाई आपसे छुपकर नदी किनारे खेलने चले गए थे, जहाँ सभी मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। हम दोनों वहाँ खेलते खेलते उन मछुआरों को देख रहे थे, तभी हमें याद आया कि आप भी हमारे लिए मछली पकड़ कर लेकर जाती हो। उसके बाद हम दोनों भाइयों ने आपके लिए मछली पकड़ने के लिए सोचा, जिसके बाद हम दोनों मछली पकड़ने के लिए नदी में उतर गए। लेकिन माँ, मछली पकड़ते पकड़ते हम दोनों भाई नदी के अंदर ही डूब गए थे। वहाँ खड़े कई सारे मछुआरे हमें देख रहे थे। वो चाहते तो हम दोनों को बचा लेते, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की और हम डूबते डूबते पानी के अंदर चले गए। हम दोनों मर गए थे। हमारी लाशों को समुद्र की मछलियों ने खा लिया था, इसलिए हमारा शरीर आपको नहीं मिला। लेकिन मरने के बाद माँ, हम दोनों भाइयों को शांति नहीं मिली और हम यहाँ वहाँ भटकने लगे। एक दिन जब हम दोनों आपको देखने के लिए आए, तो घर का मकान मालिक आपसे पैसे मांग रहा था और आपके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसने आपको बहुत बुरा भला कहा। तब से ही हम दोनों आपके लिए मछली पकड़ कर लाते हैं और यहाँ छोड़ जाते हैं। अपने दोनों बच्चों की ये बात सुनकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम दोनों के गायब होने की वजह से मैं पूरी तरह टूट गई थी और बहुत बीमार भी हो गई थी। अब तुम दोनों मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहकर कौशल्या उन दोनों को गले से लगा लेती है और हर रोज रात के समय अपने दोनों भूतिया बच्चों से नदी किनारे मिलने जाने लगती है। सागर और गगन अपनी माँ की बहुत मदद करते हैं और उसे मछलियाँ पकड़ पकड़ कर देते रहते, जिसकी वजह से कौशल्या अपने रोजमर्रा की जिंदगी अच्छे से गुजारने लगती है और अपने दोनों भूतिया बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कच्चे आम की भूखी चुड़ैल। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले मैं आम के लिए तरसती रहती थी क्योंकि मैं गरीब थी, और जब मरने के बाद मेरे हिस्से में आम का पेड़ आया तो उस पर भी आम के फल नहीं उगते। तभी चुड़ैल की सहेली माया से कहती है, अरे ओ चुड़ैल, देख तो सही मेरे पेड़ पर कितने बड़े कच्चे खट्टे मीठे आम उगे हैं। हाय, कितने टेस्टी हैं। तू चाहे तो मेरे पेड़ से एक आम ले सकती है। तभी चुड़ैल माया के पेड़ के आमों को देखकर लालसा भरी नजरों से माया से कहती है, अरे बहन, नेकी और पूछ पूछ, अगर तू अपना आम देना ही चाहती है तो फटाफट मेरे पास एक आम फेंक दे। अंदर से आम खाने के लिए तड़प उठ रही है। ए, है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। अरे तड़प तो तब मिटेगी ना जब तू मुझे आम खाने देगी। तभी एक आम माया के पेड़ से नीचे गिर जाता है।
अरे यार, मैं तो तुझे आम देना चाहती थी, लेकिन वो देख आम तो नीचे गिर गया। अब मैं अपने पेड़ से नीचे तो नहीं उतर सकती। अगर तुझे आम खाना है तो जा मेरे पेड़ के नीचे से आम उठा ले। आम की लालसा में चुड़ैल अपनी दोस्त माया के पेड़ के नीचे जाती है और आम उठाकर वही खाने लगती है। तभी बगीचे में एक आदमी आ जाता है, जिसे देख कर चुड़ैल कहती है, अरे फूटी किस्मत मेरी, एक तो मेरे पेड़ पर आम नहीं उग रहे, बड़ी मुश्किल से एक आम मेरे हाथ लगा था, अब ये आदमी यहाँ आ गया। तभी चुड़ैल वहाँ से अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और उस आदमी के जाने का इंतजार करने लगती है। हाय रब्बा, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। पहले तो आम खाने की वजह से ही मेरी मृत्यु हो गई, उसके बाद जब मुझे आम के पेड़ पर अपना घर मिला तो उस पेड़ के ऊपर ही आम नहीं उगते। तभी चुड़ैल उस आदमी को एक टोकरी में आम ले जाते हुए देखती है, जिसमें कई सारे कच्चे खट्टे मीठे आम रखे होते हैं। इतने सारे रसीले आम, इन्हें देखकर तो किसी की भी दाल टपक जाए। मैं नहीं जानती, मुझे तो ये आम खाने हैं, अब क्या करूं, कैसे आम खाऊं। तभी चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इस आदमी के कुछ कच्चे आमों को चुरा लूं, और वैसे भी पेट भरने के लिए चोरी करना कोई पाप नहीं है, और हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। चुड़ैल उड़कर उस आदमी के पास जाती है और चोरी चुपके से उसके आम उठा उठा कर खाने लगती है। चुड़ैल एक एक करके उस आदमी की टोकरी के सारे आम खा जाती है, जिसके बाद उस आदमी को अपनी टोकरी अचानक से हल्की लगने लगती है। अरे ये क्या, मेरी टोकरी अचानक इतनी हल्की क्यों लग रही है? अरे ये क्या, इस आदमी को पता चल गया, यहाँ से चल नहीं तो तेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। जैसे वो आदमी अपनी टोकरी अपने सर से नीचे उतार कर देखता है, उसके अंदर एक भी आम नहीं होते। तभी उसे अपने सामने एक चुड़ैल हाथ में आम लिए दिखाई देती है। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ, बचाओ, यहाँ पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है, कोई मेरी मदद करो। ओहो, ये क्या हो गया, अब ये आदमी हर किसी को बता देगा कि इस बगीचे में चुड़ैल रहती है, अब क्या करूं? एक काम करती हूं, इस आदमी को मार देती हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तभी चुड़ैल उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, जिसके बाद वो उस आदमी को पकड़कर मार देती है और वहां से तुरंत चुड़ैल 9-2-11 हो जाती है। अब कोई मुझे आम खाने से नहीं रोक सकता, अगर आम खाने हैं तो मुझे चोरी तो करनी ही पड़ेगी, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। उस दिन के बाद से चुड़ैल रात के समय गांव वालों के पास जाती है और उठ के घर के अंदर से कच्चे आमों को चोरी करके खा जाती है। ऐसे ही वो हर रोज करने लगती है, जिसकी वजह से गांव के सभी लोगों के घरों से आम चोरी हो जाते हैं और एक दिन सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। ओए हरिया, मैं जानता हूँ तूने ही मेरे आम चुराए हैं, जल्दी से मेरे आम मुझे दे दे, वरना ये 2.5 किलो का हाथ सीधा तेरे मुंह पर आएगा। अरे भाई काशी, तू ये कैसी बात कर रहा है, भला मैं तेरे आम क्यों चुराऊंगा? ओए, अगर आम तूने नहीं चुराए तो किसने चुराए हैं? काशी, किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिसने मेरे आम चुराए हैं मैं उनको चुन चुन कर मारूंगा, सातों को हाथ मारूंगा और एक साथ मारूंगा, कोई नहीं बचेगा। मेरे हाथों से ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ेगा तो बंदा उठेगा नहीं, उठ जाएगा। वहीं दूर खड़ी हुई चुड़ैल अपने पेड़ पर बैठकर काशी को देख रही होती है और हंसते हुए खुद से कहती है, काशी के बच्चे बहुत उड़ रहा है, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात के समय चुड़ैल इस बार दोबारा से काशी के घर ही जाकर कच्चे आमों की चोरी करने लगती है। हाय मेरे खट्टे मीठे कच्चे आम, कितने प्यारे प्यारे हरे हरे आम, हाय चकाचक 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 मेरे आम, हाय चकाचक 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 मेरे आम। चुड़ैल के गाने की वजह से काशी की आंख खुल जाती है और वो चुड़ैल को देख कर कहता है, जो गांव के आम चुरा रही है। ओए चुड़ैल, तुझे शर्म नहीं आती लोगों के आम चुराते हुए? अरे ये क्या, तुमने तो मुझे देख लिया, अब तुम मेरा सच गांव वालों को बता दोगे, अब तो मुझे तुम्हें भी मारना होगा, चलो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओए चुड़ैल, तू पागल हो गई है क्या? ये 2.5 किलो का हाथ नहीं, लोहे का औजार है, औजार, इससे आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, और देख कैसे मजा चखाता हूँ मैं तुझे। काशी चुड़ैल के मुंह पर अपने 2.5 किलो का हाथ मार देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल बहुत दूर जाकर गिरती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है।
तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तभी जुड़ैल अपनी शक्तियों के कारण काशी के ऊपर वार करने वाली होती है, लेकिन काशी ने अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसकी सभी शक्तियां लॉकेट के सामने हार जाती हैं, और काशी चुड़ैल के बालों को पकड़ता हुआ अपने घर से बाहर घसीटते हुए ले आता है। गांव वालों, ये देखो, मैंने इस कच्चे आमों की भूखी चुड़ैल को पकड़ लिया है। ये आम की भूखी चुड़ैल हमारे गांव के सभी लोगों के घरों में आम की चोरी करती है और उन्हें खा जाती है। इसी की वजह से हमारा धंधा भी चौपट हो गया है। अरे, मुझे तो इस चुड़ैल को देखकर बहुत डर लग रहा है। काशी भैया, संभल कर रहना, नहीं तो पता नहीं ये चुड़ैल तुम्हारा क्या करेगी। जब तक मेरा 2.5 किलो का हाथ मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मुझे रोज आम खाने की भूख लगती थी, इसलिए मैं तुम लोगों के आम चोरी करती थी। मैं एक आम के पेड़ की चुड़ैल हूँ, लेकिन मेरे आम के पेड़ के ऊपर आम नहीं आते। अब भला मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। चुड़ैल, अपने आम की भूख मिटाने के लिए तूने हमें कितने दिनों से भूखा मार दिया। तेरी वजह से गांव का एक भी आदमी आम का बिजनेस नहीं कर पा रहा है। अब तू बता, सीधी तरीके से यहाँ जाती है या फिर तेरी आम की भूख हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूं? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आइंदा कभी भी अपनी आम की भूख मिटाने इस गांव में नहीं आऊंगी। चल चुड़ैल, तुझे तेरी जगह पर छोड़ देता हूँ। काशी चुड़ैल के बालों को पकड़ के उसे जोर जोर से हवा में घुमाता है और गोल गोल घुमाकर उसे आम के बगीचे में फेंक देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल सीधे अपने पेड़ पर आकर रुकती है और उस पेड़ से कभी भी नीचे कदम नहीं रखती। कुछ ही समय बाद चुड़ैल के पेड़ पर आम उगने शुरू हो जाते हैं और वो अब अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर अपनी भूख मिटाने लगती है। भूख